अब हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं एक पॉइंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके विसिनिटी वाले रीजन में। सपोज एक चार्ज क्यू है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास के एरिया में एग्जिस्ट कर रही है, तो इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब हम यूनिट, जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल की, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है, तो मैं अगर ए टू बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रही हूं तो एक्सप्रेशन जो होगा वो वी बी ए होगा इक्वल टू माइनस वन इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी एल होगा। अब ई जो है इस क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कि ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ए आर होता है, क्योंकि इस क्यू पॉइंट की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से वो डायरेक्शन जो होगी वो हमारी ए आर होगी। अब डी एल यहाँ पर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि एक्सप्रेशन ई का जो है मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। इस डायरेक्शन को ए आर को मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही कंसिडर कर रही हूँ, तो डी एल का एक्सप्रेशन मुझे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेना पड़ेगा जो कि डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई ये होगा। अब जब हम वी बी ए फाइंड आउट करने जाएंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई का एक्सप्रेशन जो होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर ए आर होगा, और डी एल का एक्सप्रेशन पूरा हम ये सब्सटीट्यूट करें डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। अब जब इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा तो सिर्फ ए आर कॉम्पोनेंट का मल्टीप्लीकेशन होगा, बाकी ए आर डॉट ए थीटा 0 होगा, ए आर डॉट ए फाई भी 0 होगा। तो माइनस इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी, वो इसलिए कि ए टू बी में जब हम मूव करवा रहे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो जब इन दोनों के एक्सप्रेशन का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो फाइनल एक्सप्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर डी आर है, मतलब ये इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये लिमिट्स ए की इन टर्म्स ऑफ आर ए लेनी पड़ेगी और बी भी हमें इन टर्म्स ऑफ आर बी लेना पड़ेगा, और ये और कुछ नहीं है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम क्यू आर ए है, डिस्टेंस ऑफ बी पॉइंट फ्रॉम द क्यू इज आर बी है। तो हम आर का वेरिएशन लेंगे, मतलब रेडियली आउटवर्ड जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं तो रेडियस फॉर्म में आर ए और आर बी, हमें यहाँ पर लिमिट्स आर ए और आर बी लेनी पड़ेंगी। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, माइनस साइन है ही, इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन आर होता है, लिमिट आर ए टू आर बी हम सब्सटीट्यूट करेंगे, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा वैसा ही इंटीग्रेशन के बाहर कॉन्स्टेंट था वो बाहर रहेगा। अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन से मैं पॉजिटिव कन्वर्ट कर दे रही, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए होगा, और ये जो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो निगेटिव आएगा। कैसे? आर ए जो है वो छोटी क्वांटिटी और आर बी जो है वो बड़ी क्वांटिटी है, तो 1 अपॉन बड़ी क्वांटिटी जो होगा वो छोटा, 1 अपॉन आर बी छोटा हो जाएगा, 1 अपॉन आर ए जो होगा वो बड़ा होगा, तो छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करने पे पूरा आंसर माइनस आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, तो मेरे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ही ए टू बी को मूव करवा रही, एग्जैक्टली रेडियली नहीं मूव करवा रही हूँ, पर ए पॉइंट जो है वो ज्यादा क्यू की तरफ है और बी जो है वो अवे फ्रॉम द क्यू है, तो नेचुरली अंदर वाले स्फेरिकल शेल से मैं बाहर वाले स्फेरिकल शेल पर मूव करवा रही हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अंदर से बाहर, आप इसे ऐसे समझिए कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अंदर से बाहर मूव करवा रही हूँ, मतलब सिस्टम अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो रही, तो आंसर जो आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए और आ भी रहा है। इसी तरीके से अगर मैं चार्ज को बी टू ए मूव करवाती हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करवाती हूँ बाहर से अंदर की तरफ, तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करवाती हूँ मतलब मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी जो सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, मतलब सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाएगा, तो उसका आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आएगा भी, क्योंकि 1 अपॉन आर ए, आर ए छोटा है तो इसका रेसिप्रोकल बड़ा हो जाएगा, और आर बी बड़ा है तो इसका रेसिप्रोकल छोटा होगा, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसका पूरा आंसर पॉजिटिव ही होगा।
तो सेम ऐसे ही अगर मैं वर्क डन निकालती किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह किसी और चार्ज को मैं मूव करवाती ए टू बी, तो आंसर मेरा आता निगेटिव, और बी टू ए मूव करवाती तो आंसर मेरा आता पॉजिटिव। तो सेम ये वर्क डन में जो रूल्स हम फॉलो कर रहे थे वही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। अब अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट का मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, वो ऐसे कि सपोज मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मतलब वी ए, और यहां मुझे फाइंड आउट करना है बी का पोटेंशियल वी बी। अभी तक जो ये एक्सप्रेशंस मुझे दे रहे थे ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे थे, अब मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहती हूँ इंडिविजुअल पॉइंट का। तो मुझे क्या करना चाहिए, इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में जो भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, या फिर इनफाइनाइट से बी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो भी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी वो मेरा बी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो मैं कैसे समझ सकती हूँ, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं बेस ले लूँ, तो क्योंकि मैं इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रही हूँ, तो यहाँ पर ए पोटेंशियल जो मेरा होगा, इनफाइनाइट से मैं ए तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रही हूँ, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, जो कि मुझे देगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और वन अपॉन आर ए। दैट मीन्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर ए, ये मेरा वी ए होगा, और मैं वी ए इन्फिनिटी ऐसे सफिक्स को मैं सिंपल वी ए से रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो ये ए पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। इसी तरीके से बी बी का पोटेंशियल फाइंड करना होगा, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर बी ऐसा आंसर होगा, ये पी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा।